फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है आपको बहुत ज़्यादा आगे और बहुत ज़्यादा ऊँचे मुकाम तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट है कि अगर आप अपने रिश्तों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए जो भी कर्तव्य हैं, अगर आप उन्हें बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, अगर आप उसमें कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसमें कोई भी बेईमानी नहीं कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको कभी भी धार्मिक होने के लिए कुछ अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो परमपिता परमात्मा है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपकी कर्तव्य निष्ठता को देख करके। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हैं, अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन बहुत ईमानदारी से करते हैं, तो आपको अलग से धूप बत्ती जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये ध्यान रखें कि आप अपने कर्तव्यों के साथ में बेईमानी नहीं करें। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से करता है उसे कहा जाता है कर्मयोगी। और कर्मयोगी जो है वो डेफिनेटली परमपिता परमात्मा के हृदय के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। सो आपको भी अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी पढ़ाई से प्यार करना सीखना होगा। लेकिन एक चीज़ जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इन सारी चीज़ों का निर्वहन करते समय आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी है, खुद से भी प्यार करना है। ऐसा ना हो कि आप कर्तव्यों का निर्वहन करते करते अपने आप को परेशान कर लें। सो खुद को खुश रखते हुए आपको कर्तव्यों का निर्वहन करना है तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा सकारात्मक खुद ब खुद ही रहने लगे हैं। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी और छोटी सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ हमारे ही किचन में रखी एक ऐसी चीज़ के जूस के बारे में, जिसे अगर हम रोज़ाना अपने बालों में लगाना शुरू करें तो हम देखेंगे कि हमारे जो बाल हैं उनके अंदर जो हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो रही थी, जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा था, जो छोटे छोटे दाने हो रहे थे जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प में खुजली हो जाती थी, खारिश हो जाती थी, वो सब कुछ बहुत ही कम समय में दूर हो गई है। सो मेक श्योर कि अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बालों के झड़ने की, सो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं जिसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमारे बालों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे बालों में दाने हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन जो खुजलाने का मन करता रहता है। लेकिन हमारे किचन में रखी हुई एक छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा मदद करती है हमारे बालों की हर एक समस्या से हमें छुटकारा दिलाने के लिए, और उस चीज़ का नाम है अदरक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जिंजर। अदरक के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस और सल्फर होता है, और फास्फोरस और सल्फर होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड बहुत ज़्यादा पोटेंट एक रेमेडी बन जाता है हमारे बालों से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के रूप में। अब इससे टोनर कैसे बनाना है, जिसे हमें अपने बालों में रोज़ रात को लगा करके सोना है, और सुबह आपको बिल्कुल भी धोने की इसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 100% वाटर बेस्ड होने वाला है। दोस्तों, इस टोनर को बनाना बताऊं उससे पहले एक और जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा रूखे, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए हैं, जिनमें आपने कलरिंग किया है, केमिकल लगाया है, स्ट्रेटनिंग किया है, स्मूथनिंग किया है, कैरेटिन किया है, पर्मिंग किया है, और आपके बाल डैमेज हो गए हैं और आप अपने बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आपको स्किन अफेयर्स का इस अर्गन मुरकन ऑयल को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। स्किन अफेयर्स का ये जो अर्गन मुरकन ऑयल है, ये 100% नेचुरल है, 100% पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देने का काम करता है। इसकी वजह से आपके बालों की जो क्यूटिकल जो डैमेज हो जाती है किसी भी केमिकल लगाने की वजह से, वो धीरे धीरे रिपेयर होने लगती है एंड आपके बाल जो हैं वो वापस से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ, शाइनी एंड स्ट्रांग बन जाते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप इसे हफ्ते में एक से दो बार रोज़ रात को सोते समय अगर हेड मसाज कर लें और सुबह सुबह किसी भी माइल्ड अगर शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें, तो आपके बालों की जो क्वालिटी है वो
बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। सो बालों की हेल्थ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ टोनर, और बालों की क्वालिटी के लिए मदद करेगा आपका ये अर्गन मोरक्कन ऑयल। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इसे बहुत ईजिली परचेज कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमें टोनर कैसे बनाना है। सो टोनर बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेनी है 100 ग्राम अदरक। अदरक को आप चाहे कूट लीजिए, या आप उसे कद्दूकस कर लीजिए, या आप जूसर में उसका जूस निकाल लीजिए। सो जब आप 100 ग्राम अदरक का जूस निकालते हैं तो लगभग आपको 60 ml के आसपास आपका जूस मिल जाता है। सो हमें यहाँ पर 60 ml जूस लेना है अदरक का, जिसके अंदर सल्फर और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है। सो इस सल्फर और फॉस्फोरस की मदद से हमारे बालों की जो फॉलिकल्स हैं उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होगा, और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारी बालों की जड़ों के अंदर जो ब्लड की वजह जो न्यूट्रिशनल सप्लाई रुकी हुई थी वो न्यूट्रिशनल सप्लाई होना शुरू हो जाएगी, और हमारे बाल वापस से धीरे धीरे मोटे होना और घने होना शुरू हो जाते हैं। सो पहला चीज हमने लिया है यहाँ पे अदरक का रस 60 ml। नंबर टू जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है वो डालना है गाजर का रस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात लगेगी आपको, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सल्फर और फॉस्फोरस हमें अदरक के जूस में मिलता है उसके साथ जब ये गाजर के जूस का जब बीटा कैरोटीन मिक्स हो जाता है तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से हमें मिलता है बायोटिन, और ये बायोटिन हमारे बालों की जान होता है। अगर हम हमारे बालों को वापस से उगता हुआ देखना चाहते हैं, हमारे बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, हमारे बालों की जड़ों की कंडीशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बायोटिन चाहिए होता है। और बायोटिन बनाने में ये बीटा कैरोटीन जो गाजर के जूस में था और अदरक के रस में जो फास्फोरस एंड जो हमारा सल्फर था, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। सो हमें यहाँ पर गाजर का जूस भी लेना है 60 ml। सो अदरक का रस 60 ml एंड 60 ml हमने लिया है गाजर का रस। तीसरी जो चीज़ दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करनी है वो मिक्स करना है हमें लगभग 50 से 60 ml के आसपास पानी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा अगर हमने इसको पानी के साथ डायल्यूट नहीं किया। सो पानी के साथ डायल्यूट कर लीजिए आप इसको 60 ml पानी डाल करके, और अब आपका ये स्कैल्प टोनर बन के तैयार है। इस टोनर को आप रोज रात को सोते समय अपने बालों की जड़ों में एक स्प्रे बॉटल के अंदर डाल करके अच्छे से स्प्रे करके सो जाइए, और सुबह आपको वॉश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 100% वाटर बेस्ड है। आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों के इस्तेमाल के बाद आपके बालों के झड़ने की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई है, आपके बालों के अंदर जो बहुत पतलापन आ गया था वो बाउंसी दिखना शुरू हो गए हैं, आपके बालों में डेंसिटी का एनहांसमेंट आपको दिखाई दे रहा है, और क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे स्किन अफेयर्स का अर्गन मोरक्कन ऑयल। दोस्तों ये दो टिप्स जो मैंने आज आपको दिए हैं आपके बालों की जो हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप दोनों को रेगुलर इस्तेमाल करें, और फिर कुछ हफ्तों बाद हमें फीडबैक दें कि आपको इनसे क्या कुछ बेनिफिट हुआ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस चैनल पर जो मैंने आपको वीडियो दिया ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।